तो देखो सीएम पंक के WWE के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे मैचेस थे, लेकिन अगर तुम लोग एकदम कहते हैं ना चैनल के ऊपर एक्टिव से रहते तो तुम्हें पता होगा आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक अपडेट दी थी कि सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड भी एक ऐसा ड्रीम मैच जो कि शायद हो सकता है कंपनी में। तो फाइनली इस वाले मैच को लेकर एक मेजर वाली अपडेट आई है सामने जो कि बुरी खबर ही है। बात हम लोग एक मैसिव AEW स्टार के बारे में करेंगे जो कि WWE के अंदर आएगा और ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म लग रही है। और भी कुछ अपडेट्स हमें जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब MJF चाइन आए लेकिन ये जो AEW स्टार है वो फाइनली लग रहा है WWE के अंदर कमबैक करेगा। और भी कुछ अपडेट्स हमें इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाली है, बस तुम लोग वीडियो से एकदम चिपक जाओ। ज्यादा कुछ खास अपडेट्स नहीं है लेकिन फिर भी अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले मैं शुरू करने वाला एक स्टार के साथ में जो कि NJPW और करंटली स्टारडम कंपनी में काम करती है। मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, ग्यूलिया के बारे में। करंटली वो एक स्टारडम की सुपरस्टार है। स्टारडम बेसिकली एक NJPW का या फिर जापान का सॉरी प्रमोशन है। इससे पहले वो NJPW कंपनी के अंदर या फिर NJPW कंपनी में ही खुद ब खुद काम कर चुकी हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने भी फिलहाल की हैं। रेस्ट वो अभी फिलहाल AEW WWE के अंदर उन्होंने कदम नहीं रखा है। ऑलरेडी अपडेट थे कि WWE का तो उनके अंदर इंटरेस्ट है लेकिन AEW उनको साइन नहीं करवाना चाहती है। बाय द वे रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे। यहां पर वॉन ने यह बात कंफर्म की कि जो ग्यूलिया है, शायद मैं ना पता नहीं अजीब सा क्यों ले रहा हूं उनका, लेकिन जो वो है उनका जो स्टारडम का कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि WWE ने डायरेक्टली आएगी, लेकिन हो सकता है वो WWE के अंदर साल 2024 के अंदर तुम्हें आती हुई नजर आएंगी। अच्छा, इवन काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जेड को WWE पहले परफॉर्मेंस सेंटर में ले गई, ट्रेनिंग वगैरह करवाई है, तो लोगों का मानना ऐसा है कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए कि WWE पहले ग्यूलिया को लेकर आए, उसके बाद जाके उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भेजे एंड तब जाके सारी चीजें कंपनी करती हुई नजर आए। लेकिन बाकी लेट्स सी क्या होता आने वाले टाइम में, यानी कि अगर वो आएंगी भी तो मार्च के बाद शायद वो WWE के अंदर अपना डेब्यू वगैरह करती हुई नजर आएंगी। बात अब हम लोग सीएम पंक एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में भी करेंगे। ऑफ कोर्स सीएम पंक जैसे WWE में आए लग रहा है सारे ड्रीम मैचेस हो ही जाएंगे जिसमें सीएम पंक वर्सेस ट्राइबल चीफ और भी बहुत सारे मैचेस शामिल हैं। लेकिन ऑफ कोर्स रीसेंट टाइम में अगर तुम लोगों को याद होगा मैंने एक अपडेट दी थी कि सीएम पंक और स्टोन कोल्ड का मैच होगा WWE में और वो आइडिया बैक स्टेज वगैरह के ऊपर पिच किया गया। लेकिन फाइनली इसको लेकर एक और अपडेट आई है सामने की अपडेट WrestleBiz की तरफ से आई है जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे। WrestleBiz ने यहां पर यह बात कंफर्म की कि जो स्टोन कोल्ड वर्सेस सीएम पंक का मैच होने वाला था जो कि पिच किया गया था WrestleMania 40 के लिए, वो प्लान्स ड्रॉप हो चुके हैं जबकि सीएम पंक चाहते थे इस मैच के अंदर कंपीट करना। अब स्टोन कोल्ड तुम्हें WrestleMania के अंदर दिखेंगे लेकिन उनके प्लान्स क्या होने वाले इसके अलावा वो अभी तक बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। तो ये कुछ अभी फिलहाल हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेकर अपडेट रही है सामने। देखो ऑफ कोर्स मैं भी सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड का जो फ्यूड है जो मैच है वो देखना चाह रहा था, लेकिन अगर तुम दूसरी तरफ कहो कि तुम लोग मुझे सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इन रिप्लेसमेंट दे रहे हो वो भी एकदम हीटेड वाला फ्यूड, तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ट्रिपल एच का ही सही डिसीजन है बिकॉज सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड एक ड्रीम मैच है फैंस का फॉर श्योर। लेकिन जिस हीट के ऊपर सीएम पंक सेथ का फ्यूड है स्पेशली सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से, उससे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उसे रिप्लेस कर दो सीएम पंक और स्टोन कोल्ड के पूरे फ्यूड से। तो ये अपडेट है कि सीएम पंक सेथ के साथ ही जाएंगे और स्टोन कोल्ड के साथ में जो उनका मैच है वो भी फिलहाल WrestleMania 40 के लिए तो कैंसिल हो ही चुका है। अच्छा, बात करते हैं चलो एक और अपडेट के बारे में जो कि साल 2023 के एकदम एंड स्टैट्स के बारे में जुड़ी है। साल 2023 एंड होने वाला है, साल 2024 बहुत जल्दी ऑफ कोर्स शुरू होगा, लेकिन रिसेंट टाइम में जो एंड स्टैट्स है वो आ चुकी है सामने कि भाई कौन से वो स्टार हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मैचेस कंपीट करने का रिकॉर्ड है, जिनके पास सबसे ज्यादा कहते हैं ना एकदम धांसू वे में उन्होंने कंपीट किया WWE के अंदर और सबसे ज्यादा बार रेसल किया, तो वो और कोई नहीं बल्कि मेल के अंदर हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है। सेथ रॉलिंस ऑफ कोर्स हमारे वर्क हॉर्स है, लेकिन जो अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है उन्होंने एक तरह का कहते हैं ना हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस के अंदर कंपीट किया है इस साल, जिसके अंदर हाउस शोज, टेलीविजन शोज, प्रीमियम लाइव इवेंट्स ये सारे मैचेस इंक्लूड होते हैं। सेथ रॉलिंस जब से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने वो ऑफ कोर्स एक वर्क हॉर्स है, लेकिन कोडी रोड्स ने बात प्रूव की है कि WWE के अंदर वापस आने के बाद जो उनका डेडिकेशन है वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जा चुका है, इसलिए उनके सबसे ज्यादा मैचेस है कंपनी में। बाकी देखो क्या होता है, हम लोग ऑन द रोड टू WrestleMania 40 काफी जल्दी जाएंगे और क्या सीएम पंक के अलावा जब सीएम पंक सेथ से आमना सामना करेंगे उनकी कहानी फिनिश करने के लिए क्या कोडी अपने फिनिश द स्टोरी करेंगे ट्राइबल चीफ के साथ में। और हम लोग वुमेन्स के बारे में भी करेंगे क्योंकि मेंस की तरफ से तो कोडी ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैच WWE के अंदर लेकर आए हैं, लेकिन जो दूसरी फीमेल स्टार है जो कि आई है वो आई है अपनी ईयो स्काई, यानी कि ईयो स्काई ने पूरे वुमेन्स डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस में कंपीट किए, करेंटली वो WWE की वुमेन्स चैंपियन भी है। तो ये सारी चीजें देख के लग रहा है कि ईयो स्काई एकदम जमकर मेहनत कर रही है और दैट्स व्हाई WWE कंपनी ने उन्हें वो चैंपियनशिप और एज अ रिवॉर्ड भी दी है। बाकी देखो WrestleMania 40 में क्या होता है, बहुत सारे लोग का मानना है कि बेली का जो मैच है वो होने वाला और वो
फेस करेंगी यू स्काई का। लेट्स सी क्या ये मैच होगा या फिर नहीं, लेकिन मैंने मैंने कंग्रेचुलेशंस अपनी यू स्काई एंड कोडी रोड्स को इतने तगड़े वाले हार्ड वर्क के बाद इतनी अच्छी अचीवमेंट के लिए। बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि AEW स्टार के बारे में छुड़ी है। और AEW स्टार जो WWE के अंदर आएगा ये और कोई नहीं बल्कि हमारे एंड्राडे सियान एल्मस हैं। ऑलरेडी मैंने इसको लेकर चैनल के ऊपर अपडेट दी थी कि एंड्राडे WWE के अंदर वापस आ सकते हैं और वो आना भी चाहते हैं बेसिकली AEW कंपनी को लीव करके। लेकिन रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक अपडेट आई है, सामने अपडेट के अकॉर्डिंग जो WWE है वो एक्सपेक्ट ये बात कर रही है कि एंड्राडे उनकी कंपनी में ही वापस आएंगे। लेकिन चीज़ ये भी कि अगर टोनी खान उन्हें बेटर ऑफर देते हैं WWE से तो शायद वो सोच भी सकते हैं कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस जाने के लिए। लेकिन मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर एंड्राडे ट्रिक खेलने वाले हैं WWE के साथ में, बिकॉज ऑफकोर्स वो उसी में वापस आएंगे। स्पेशली जिस तरीके से अब CM Punk और कोडी को बुक किया जा रहा है उनके कमबैक के बाद, अब यहाँ एंड्राडे का ट्राई करेंगे वो AEW का ऑफर लेके ना WWE से बड़े पैसे की डिमांड करेंगे। सपोज करो यहाँ पर 10-15 लाख मिल रहे हैं, वो कहेंगे भाई WWE से देखो मुझे वहाँ 10-15 लाख मिल रहे हैं, मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं तब जाके तुम्हारी कंपनी में वापस आऊँगा। तो WWE उसी चीज़ को देखते हुए ना ज़्यादा बड़ा ऑफर देगी। तो एक तरह का एक बार फिर से टोनी खान AEW का यूज़ होने वाला है और एंड्राडे उसको लेकर शायद एक बेटर ऑफर लेंगे एंड फाइनली WWE कंपनी के अंदर करेंगे कमबैक। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो एंड्राडे के एक बार फिर से कमबैक के लिए? तुम्हारे हिसाब से उनकी रिटर्न होनी चाहिए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।